कोरोना का मरीज रीवा में क्यों, उसको तत्काल रीवा से बाहर किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। सोमवार की सुबह से ही रीवा के तमाम लोगों की जुबान पर केवल और केवल इसी का जिक्र था। रीवा के कांग्रेसियों ने, समाज सेवियों ने, व्यापारियों ने शासन के द्वारा रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कोरोना के मरीज को लाए जाने का पुरजोर विरोध करना प्रारंभ कर दिया है। इन सबका मानना है शासन ने यह जानबूझकर किया है, जबकि इंदौर में इनका इलाज हो सकता था। वहां पर कोरोना के कई पेशेंट हैं, उन्हीं के बीच में इन्हें रखा जा सकता था, लेकिन शासन ने इन्हें रीवा बुला लिया। क्यों बुलाया, कैसे बुलाया, यह हम नहीं जानते। हम तो केवल यह चाहते हैं इन्हें रीवा से तत्काल अन्यत्र शिफ्ट किया जाए। इनका कहना है, जब हम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित तमाम जिम्मेदार लोगों की सारी बातें मान रहे हैं, तब रीवा के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ये दुखद दिन है, और इसके पहले मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि रीवा कभी मुसीबत या चुनौतियों से पीछे नहीं हटा। हमने हर प्रकार की चुनौती, इतिहास को अगर आप देखें तो हमने झेली है। हमने नैकाही की लड़ाई यहां झेली है। हमने 45 में आजादी देकर ब्रिटिशर्स की खिलाफत झेली है। लक्ष्मण बाग में जब महाराज गुलाब सिंह बंद थे, तब पूरी पब्लिक जाकर वहां पर उनको बचाने में लगी थी, वो दिन भी हमने देखे हैं। हमने एक से एक बड़े ऐसे दिन चुनौतियों के देखे हैं जिसमें रीवा पीछे नहीं हटा है। लेकिन थोपी हुई कोई भी बात और थोपी हुई कोई भी साजिश, अगर आज रीवा इसको सामान्य रूप से लेकर अपने घरों में बंद रहकर झेल लेता है, तो ये सचमुच हम लोगों के लिए सबसे शर्मनाक दिन होगा। मैं तो निवेदन करूंगा कि आठों आठ विधायक इस्तीफा दें, सांसद भी इस्तीफा दें, हम लोग साथ मिलकर, सब लोग साथ होकर रीवा के लिए पेशकश करें। कि आजादी के बाद से शायद विंध्य के ऊपर सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना के रूप में शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा डाल दी गई है। अंग्रेजी हुकूमत ने भी शायद जानबूझ करके एक क्षेत्र को, जो कि कोरोना मुक्त था, जानबूझकर संक्रमित लोगों को वहां पे नहीं लाया होगा। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान जी से कि आपको क्या हक था कि आप लॉकडाउन का मजाक उड़ाते हुए इंदौर से सतना और उसके बाद रीवा कोरोना टूरिज्म के रूप में कैदियों को लेकर के आते। लॉकडाउन का साफ मतलब है कि जिसको कोरोना है वो उसी शहर में, उसी सिटी में उसको क्वारंटाइन किया जाए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि इस कोरोना से हमारा बिंद पूरी तरह से वंचित था। कहीं न कहीं भगवान की हम सब पर कृपा भी थी, और हम लोगों की कहीं न कहीं इसमें सार्थक मेहनत भी थी, प्रशासन की भी सारी चीज़ों। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यह कोरोना की बीमारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मैं समझता हूँ उनका शीर्ष नेतृत्व भी इसमें सहमत है कि अगर बिंद अछूता है तो बिंद इस बात से अछूता न रहे। रीवा में इंदौर का मरीज सतना होते हुए रीवा भेजा गया जिससे कि रीवा के लोग भी पीड़ित हों। अब मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी की इसमें घोर साजिश है। कोरोना संक्रमित मरीज सतना से लाए जा रहे हैं और रीवा अस्पताल में उन्हें रखा जाएगा। मैं रीवा का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस व्यवस्था का विरोध करता हूं और इससे असहमत व्यक्त करता हूं। रीवा अभी तक ग्रीन जोन में है और पिछले एक महीने से शासन, प्रशासन और तमाम सामाजिक संस्थाएं पूरे अपने प्रयास कर रही हैं कि यहां संक्रमण न हो पाए, और ईश्वर की कृपा से अभी तक एक भी संक्रमित मरीज यहां नहीं मिला। ऐसी स्थिति में जब रीवा अभी तक कोरोना संक्रमण से अछूता है, तो ये दो मरीज क्यों कि बिंद जो गंगा यमुनी संस्कृति महामृत्युंजय की नगरी के नाम से जाना जाता है, उसे आज कोरोना के नाम से
भोपाल नहीं पूरे प्रदेश में जाना जा रहा है, क्योंकि न होते हुए भी यहाँ भेज दिया गया। इसकी जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान जी और प्रमुख सचिव दोनों से मेरा आग्रह है कि तुरंत रीवा जो ग्रीन जोन में है, विंध्य संभाग, शहडोल संभाग और रीवा संभाग ग्रीन जोन में है, इसलिए इन्हें तुरंत यहाँ से शिफ्ट कराया जाए। और रीवा के आठों विधायक और सांसद जी से मेरा आग्रह है कि रीवा की जनमानस ने आपको इसलिए नहीं चुना कि आप कोरोना का मरीज रीवा में शिफ्ट करा दें। कोरोना महामारी विश्व में एक बहुत बड़ी आपदा है और भारत में भी इस महामारी ने अपने पैर पसार लिए, लेकिन विंध्य क्षेत्र में अभी तक ये महामारी नहीं थी। कल भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ के आठों विधायक और एक सांसद जो भाजपा के हैं, उनको कोरोना महामारी विंध्य में सौगात के रूप में कल भेजी थी। हम सब ने इसका विरोध किया। इंदौर से कोरोना पॉजिटिव मरीज जो कैदी सतना भेजे गए और इसके बाद इनको रीवा भेजा गया, ये पूरी तरह से भाजपा सरकार की और सतना रीवा के जो बीजेपी विधायक हैं उनकी बहुत बड़ी साजिश है। और इस तरह से पूरा जो विंध्य प्रदेश है हमारा सुरक्षित था, उसको पूरी तरह से तबाह करने के लिए, दहशत में डालने के लिए कार्य किया गया है। और इसमें पूरी तरह से सरकार के साथ जो दबाव में काम किए वो कलेक्टर इंदौर, कलेक्टर सतना, कलेक्टर रीवा ने घोर निंदनीय कृत्य किया है, जो आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। मैं तो चाहता हूँ इसमें सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए और बेहद गंभीर विषय है। कोरोना के चलते आप भी घर पे सुरक्षित रहिए, शासन के दिशा निर्देशों का पालन करिए। मिलते हैं फिर एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।